My name is Amarjot Singh. I'm calling you from Canada. I'm in Edmonton and I'm talking to Dr. Kya naam hai sahab aapka? Dr. Suresh Singh. Suresh Singh Sharon. Kaun se sheher mein hai aap? Main abhi Sonipat sheher mein hu. Sonipat mein hai. Sharon sahab bataiye aapke aapke paas degree hai, aapke paas wo ayurvedic ki degree hai mere khayal 2010 ki? Haan ji sir. Uske baad kya kiya aapne? 2011 से 13 मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है हेल्थ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है होटल आई एम सॉरी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. यस सर हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. सॉरी सॉरी हॉस्पिटल. कहां से कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये IHMR यूनिवर्सिटी है. क्या नाम है? IHM इंडियन हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट. कहां है ये? जयपुर में इनकी मेन ब्रांच है और बैंगलोर और दिल्ली इसकी सब ब्रांच. उसके बाद अभी इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला हुआ है. मिल गया. ये कौन साल में कराया? ये मैंने 2011 से 13 में किया. 2013 में किया है. 13 के बाद अभी आप 7 साल से अभी आप काम कर रहे हैं एज अ हॉस्पिटल. क्या टाइटल क्या है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर. आई एम यूनिट हेड. आई एम लुकिंग एट वन सेंटर एट सोनीपत. सही बात. मैनेजिंग 100 बेडेड हॉस्पिटल है. सही बात है. थैंक यू वेरी मच. मैरिड हो के सिंगल? आई एम मैरिड सर. मैरिड है. वाइफ की क्या एजुकेशन है? क्या उनका है? वाइफ इज इन टीचिंग लाइन बट शी इज नॉट प्रैक्टिसिंग इट. शी स्टेज एट होम करेंटली. अच्छा टीचिंग लाइन है. ठीक है. पर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है मतलब काम. बीएड है उनके पास? क्या बीए बीएड क्या है? हां बीएड है. बीएड है. बीएड इज आल्सो मास्टर्स इन एनवायरमेंट साइंस देन शी हैज देन बीएड. मास्टर्स है. इंग्लिश बोलती है क्या? आईएलएस का स्कोर है उनके पास? वीक होगा सर. वायरलेस कमजोर है. कोई बात नहीं. ठीक है. आपका कितना आईएलएस है? आपका स्कोर क्या है? I have not scored it, but मेरी basic English ठीक है, but accent I will suffer in accent. My writing skills. नहीं नहीं वो तो बात है. मैंने सिर्फ मेरे को ये बताना है कि आपने कभी score लिया है, test लिया है IELTS का? नहीं. I have not taken it. नहीं नहीं लिया. अच्छा अच्छा. Okay. चलो. अब मेरी असली जो चीज़ है वो पूछनी है आपसे कि आपकी उम्र कितनी है भाई? मेरी 32 years old. 32. चलो एज भी ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई आपकी कोई है कोई कनाडा में रिश्तेदारी वाला फ्रेंड्स वाला या दोस्त वाला फैमिली कुछ है कि क्या है वहाँ पर? नो नो नॉट एज सच बट आई कैन टेक आउट सम. अच्छा तो क्या आपका मकसद क्या है कनाडा में? इमिग्रेशन करना है? क्या करना है? क्या आपको पीआर लेनी है? इमिग्रेशन करना है सर. मैंने पीआर लेनी है वहाँ पे. मैं अपनी जो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोफाइल है वहाँ पे एक्सप्लोर करना था. अच्छा सबसे पहला तो मेरे को ये सवाल है कि सोनीपत में जहाँ नौकरी कर रहे हो मजा नहीं आ रहा क्या? क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? क्या निकलने की सोच रहे हो? मैंने 4-5-7 साल से मैं काम कर रहा हूँ सर. बट इंडिया में जो स्ट्रगल है और जो मतलब जो अनजस्टिस है वो थोड़ी सी मेरे को ठीक. इंडिया में स्ट्रगल है और इनजस्टिस है. आई एम वर्किंग एंड आई एम पेड लेस. अच्छा अच्छा. सुरेश जी मैं आपको एक्सप्रेस एंट्री के बारे में कुछ नॉलेज है पता है? आपने देखा सर्च करा है कुछ? आई हैव सर्च एक्सप्रेस एंट्री. दे बेसिकली रैंक्स यू ऑन सम क्राइटेरिया एंड आफ्टर दैट दे टेक. आपके कितने पॉइंट्स निकले? आपने पॉइंट्स अपने चेक करे अपने आप? मैंने अपने पॉइंट्स चेक किए हैं दैट दे सेड दैट 63-64. मेरे को एक एजेंसी ने ऐसे फ्री में करके दिया. एजेंसी ने फ्री में करके दिया तो लेकिन तसल्ली नहीं हो रही आपकी कि वो है कि नहीं है? तसल्ली नहीं हो रही. उसमें हाँ बोले बोले मैं सुन रहा हूँ बात आपकी. बोले चेक थ्रू दिस WES एंड अदर मेरी एजुकेशन क्राइटेरिया मैंने सर्च करने की कोशिश की बट WES ने अपने होम पेज पे लिखा हुआ है कि वी डू नॉट टेक अ हीड ऑफ आयुर्वेदिक डिग्रीज. आयुर्वेदिक डिग्री आयुर्वेदिक वाली. Yes, sir, yes. So, ये प्रॉब्लम है बस. ये मेरे को लग रहा था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है और वो आपने पहले ही उसका खुलासा कर दिया कि आयुर्वेदिक को होम्योपैथिक को यूनानी वगैरह ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है इनको ओनली आयुर्वेदा एंड यूनानी एंड सिद्धा दे हैव मेंशनड इट इन देयर होम पेज. वो लेते हैं
उसको लेते हैं यूनानी को? नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं लेते, इसको नहीं लेते. अच्छा अच्छा अच्छा. क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा कोई मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा जो एक इंफॉर्मेशन है वो वेटनरी साइंस है, उसको लेते हैं. अगर कोई कायरोप्रैक्टर वगैरह है उसको ले लेंगे. और पोडियाट्रिक जो होता है, जो उस तरह तरह की ऑल्टरनेटिव जो एलोपैथी के हैं उसको ले लेते हैं. लेकिन ये जो इंडियन का जो सिस्टम है आयुर्वेदिक वगैरह का, इसमें उनको शायद नहीं समझ में नहीं आता. और यहाँ पर मैंने कनाडा में कभी देखा भी नहीं है कि यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर या ऐसा कोई डॉक्टर ऐसे उन्होंने बड़े बड़े लाइसेंस देके करा. ऐसे घर पे शायद कोई काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा फुल फ्लेज मेन स्ट्रीम में नहीं होता है. तो ये जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी. बात ये है कि हाँ जी, मुझे आयुर्वेदा में वहाँ प्रैक्टिस भी नहीं करनी है. नहीं मेरे को पता, नहीं मेरे को पता है प्रैक्टिस नहीं करनी. असल में प्रॉब्लम ये है कि आपके पॉइंट्स कैसे बनेंगे. अगर आपकी वो बैचलर्स डिग्री को अगर वो मानते ही नहीं या इवेल्युएट नहीं करेंगे, तो आपकी आपकी एजुकेशन को कहाँ तक वो आपको पॉइंट्स देंगे. बात अब ये प्रॉब्लम होगी ना कि आपने बीए एमएस करी है, उसके बाद पीजी डिप्लोमा किया है. तो अगर आप, मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप डब्ल्यूएस को छोड़ के, चलो डब्ल्यूएस से जो पूछना पूछा पूछ लिया, आप आईक्वेस को और जो एक और तीसरा एक और है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की वो है, तो उनको भी कॉन्टैक्ट करके उन्हें बताएं कि हमें आप बताएं कि इसको आप करेंगे नहीं करेंगे. तो पहले तो सबसे पहले ये काम करें. अगर कोई भी करने, हाँ जी सर, आई गेस आई क्वेस्ट करती है, आई क्वेस्ट डू एक्सेप्ट, आई क्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय कनाडा, देन दे विल डू. अच्छी बात है. तो फिर अगर आप वो, तो जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे थे उसका जवाब ऑलरेडी आपके पास ही है. अगर आई क्वेस्ट अगर आपको कर देती है, नहीं देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा टिपिकली मैं काम करता नहीं हूँ. मैं किसी के लिए ना असेस करता हूँ ना करवाता हूँ, ये मेरा काम नहीं. मेरा जो फुल फ्लेज जो फोकस वो है, मैं अपील जो काम करता हूँ, अपील है, रिफ्यूजल होती है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ. बाकी और कुछ काम, ये जो इंग्लिश का और ये असेसमेंट का काम, मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ. अगर आप आईक्वेस को अप्रोच करें और आईक्वेस आपको किसी भी तरीके से असेस करके दे दे, तो आपका काम बन जाएगा. कम से कम एक एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनने के लिए हम आगे तो बढ़ सकते हैं. श्योर सर, ठीक है. ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उसको अप्रोच करें. अगर आपको बैचलर्स डिग्री और जो पीजी डिप्लोमा आपका जो 2 साल का है उसका भी करके अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आप कम से कम एक अपनी प्रोफाइल तो आप बना सकते हैं. और उसके बाद आपको आईएलटीएस के लिए आपको मेहनत करके भाई स्कोर लाना पड़ेगा. अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं 7778 या इससे भी ज़्यादा आप लाएं, इट ऑल डिपेंड्स क्योंकि भी आपको आपकी जो बैचलर्स और पीजी डिप्लोमा की कहाँ तक उसको इवेल्यूएट करते हैं, क्योंकि मास्टर्स डिग्री तक तो है नहीं या मास्टर्स डिग्री तक आएगा नहीं. तो आपको जितना इसका यहाँ पर लॉस होने वाला है उसको आपको इंग्लिश में ही कंपेंसेट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है. बाकी आपकी उम्र भी ठीक है, उम्र भी ज़्यादा क्रॉस नहीं हुई है, और आपके पास मैक्सिमम जॉब एक्सपीरियंस भी है. तो आप कृपा करके आप सारे काम छोड़ के आप सिर्फ अपने इंग्लिश में फोकस करें और अपना और अपना आई क्वेस से ये कराएं. ये हो सकता है. बाकी अगर आपकी वाइफ भी अगर इंग्लिश को दे सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, और वाइफ का भी बीए बीएड भी आप इवेल्यूएट कराएं. श्योर, वाइफ का बीए बीएड है उसको भी इवेल्यूएट कराएं, और तब जाके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल लगाएं. अगर आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल लगती है लेकिन फिर भी अगर आपके पॉइंट्स नहीं पहुँचते हैं उस लेवल तक जो अभी इस वक्त है, आज जो शायद कल आया है, आज आया शायद 465 तक है, वहाँ तक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग में आप वहाँ तक आने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक मेहनत करनी पड़ेगी. वो मेहनत का जो जरिया है वो सिर्फ इंग्लिश का ही, और तो आपके पास उसमें जो कोई चेंज हो नहीं सकता. तो इंग्लिश के सहारे ही आप जा सकते हो, इंग्लिश के लिए आपको आना पड़ेगा. अगर फिर भी नहीं आता है, आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स सिर्फ 400 तक या 410 तक ही सिमट के रह गए, फिर तो आपको एक्सप्रेस एंट्री में कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपका नंबर आने वाला. चाहे कोई कंसल्टेंट कुछ भी कह दे, आपका नंबर नहीं आने वाला. क्योंकि तरह तरह के लोग बोलते हैं कि हम करा देंगे, लेकिन वो आपको डिपेंड करेंगे, आपसे बोलेंगे इंग्लिश इंप्रूव करो, करा देंगे. तो इंग्लिश हमें ही करनी है, तो आप क्या कराओगे? बात तो अल्टीमेटली ये आ जाएगी, हमारी ही जजमेंट करेंगे. मैं एक डिग्री परस्यू कर रहा हूँ सर, एमए साइकोलॉजी. एमए साइकोलॉजी कहाँ से? ये इग्नो से कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा, तो ये अच्छी बात है. कब होगी डिग्री? है ये मेरा अभी मींस आई विल गेट इट विद इन नेक्स्ट 6 मंथ. हाँ, तो अगर ठीक है, फिर तो अगर मास्टर्स, फिर तो अगर आपकी मास्टर्स वो बन जाएगी, फिर तो कोई चक्कर ही खत्म हो जाएगा. ये बीएमएस का चक्कर खत्म हो जाएगा. फिर तो मास्टर के आपको जो हाईएस्ट पॉइंट जो मिलने थे वो मिल जाएंगे.
फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर आपको जो मास्टर के जो डिग्री वो जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में 135 पॉइंट सॉरी 126 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि आपकी वाइफ है तो उसमें आपको आपका वो कवर हो जाएगा। और आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप अगर मास्टर डिग्री कर लो और इंग्लिश में अपनी जोर दिखाओ, जरा अपना कुछ जी जान लगाओ इंग्लिश में, तो श्योर काम श्योर बन जाएगा श्योर आपका, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। ओके तो आपके लिए और कोई तरीका नहीं है? आपके आपको वर्क वीजा मिलेगा नहीं इंडिया से, क्योंकि आपके लिए कोई जॉब अच्छी इस तरह की प्रोफेशनल जॉब का वहाँ से मिलना, LMI के साथ मिलना बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, बट है मुश्किल। तो उसमें उसमें भी कोई वो कोई आप में कोई होप दिखाई नहीं पड़ रही मेरे को। और दूसरा है कि स्टूडेंट वीज़ा आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने पढ़े लिखे हो। तो स्टूडेंट वीज़ा में तीसरी प्रॉब्लम ये भी है कि आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एक्सप्रेस एंट्री ही एक सही जो एक जरिया है, इसमें आप अपना फोकस करो, इससे ही आपका उद्धार हो जा। श्योर 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 सर, ये वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स है वो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब कैसी हैं सर वहाँ पे, देयर ए नहीं, मार्केट फॉर देम? और हेल्थ केयर की जॉब्स तो कनाडा में हमेशा रही हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि हर एक आदमी को यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम, और आगे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है उसमें हेल्थ केयर के लिए नौकरी हमेशा एक बूम करेंगी। लेकिन आपको नौकरी मिलेगी कब मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको जब यहाँ पर आकर थोड़ा आप एक्सपीरियंस लोगे, कहीं ना कहीं छोटे मोटे डॉक्टरों के साथ काम करोगे और फिर जब हेल्थ क्लिनिक में काम करोगे, तब थोड़ा थोड़ा आगे आप बढ़ोगे। कम से कम मैं समझता हूँ कि 4-5 साल लग जाएंगे आपको हेल्थ केयर अच्छे बड़े हॉस्पिटल में अंदर आके आपको हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए। ये भी हो सकता है कि यहाँ आके आपको कोई और कोई कोर्स करना पड़े जो यहाँ के मुताबिक जो सिस्टम चलता है उसके बारे में आपको नॉलेज देने के लिए शायद 1-1.5 साल का कोई वहाँ पर छोटा मोटा कोर्स करना पड़ेगा इवेंचुअली। तो पर लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और जब आप इतने स्ट्रगल को, जो आपने कहा कि इंडिया में इनजस्टिस है और स्ट्रगल है, उसको छोड़ के आ रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, उसके बाद अगर आपका जीवन आपका अगर कोई मोड़ आ जाएगा ऐसा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रगल का इशू जॉब्स के नहीं बारे में है अभी सोच अभी इस वक्त जॉब्स के बारे में सोचने की बजाय, सर? ओके जॉब्स तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी तरीके से एंट्री छोटी मोटी मिल ही जाती है, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है आदमी। आप अपना फोकस, अपना सारा ध्यान, 24 आवर्स ध्यान अपना लगाएं इंग्लिश इंप्रूव करने में, इंग्लिश का टेस्ट देने में, क्योंकि इंग्लिश से ही आपकी ज़िंदगी की तब्दीली होने वाली है। और इंग्लिश के स्कोर के अलावा और कोई यहाँ पर कोई चेंज करने वाला वेरिएबल है नहीं। ओके सर सर इज देयर एनी स्कीम लाइक प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम हो रहा है सर? नहीं, प्रोविंशियल प्रोविंशियल नॉमिनी के लिए भी बात वही है ना कि आपको जॉब ऑफर चाहिए, और आपको जहाँ जॉब ऑफर नहीं चाहिए तो आपको वहाँ उनका भी पॉइंट सिस्टम होता है। एक सेकेंड, होल्ड, इसमें बंद करा दूँ जरा। और उनका उनका भी पॉइंट सिस्टम होता है, और पॉइंट सिस्टम में जितनी आपकी इंग्लिश हाई होगी, जितने आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको मास्टर से मिलने वाले हैं, वहाँ भी पॉइंट सिस्टम का ही एक हेर फेर है। मतलब कि उसमें रैंकिंग में जब आओगे तब लेंगे। और कई PNP सिस्टम्स में भी ये ऐसा है कि वहाँ का कनेक्शन होना चाहिए, या आपका कोई वहाँ पर रहता हो, या कोई यहाँ से जॉब ऑफर हो, या वहाँ पर कोई पुरानी वर्क हिस्ट्री हो, या पुरानी वहाँ पढ़ाई हो, तो वो भी आपके पास है नहीं है। तो आपको चाहे PNP में जाओ चाहे यहाँ से जाओ, अल्टीमेटली यू नीड गुड मार्क्स इन इंग्लिश, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट देयर। श्योर, थैंक यू सर। एंड सर लाइक जो मेरे को कुछ हॉस्पिटल्स में जैसे मैंने अप्लाई किया है, डायरेक्टली अप्लाई किया, वेबसाइट्स पे मैंने सर्च किया है, तो ओके समटाइम्स आई गेट ईमेल्स फ्रॉम देम, क्या सो क्या मैं आपको ईमेल ईमेल पे वो क्या कह रहे हैं, आपको जॉब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको ईमेल पे? एक में उन्होंने स्कैन डॉक्यूमेंट मांगे मेरे को, जो अभी तक मतलब मैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, कुछ फेक निकलती है, मोस्टली ये फेक निकलती है, और हमेशा उनके जो सेंडर का नाम है, आई ट्राई टू सर्च दैट पर्सन फ्रॉम देयर वेबसाइट, अगर किसने सेंड किया है तो वो पर्सन है कि नहीं है, और अगर नहीं किया तो रिप्लाई में मैं उनको लूप में दे देता हूँ, कोई उसका कोई मेंबर का ईमेल आईडी मिल जाती है, या HR की या कैरियर की ईमेल आईडी मिल जाती है, मैं रिप्लाई करता हूँ तो उसको साथ में CC कर देता हूँ, तो वो वापिस रिप्लाईज नहीं आती है। तो बट देर आर जॉब्स पोस्टिंग पोस्टिंग ऑन जॉब साइट्स हियर इन इंडिया, तो शैल आई मैंने बिलीव ऑन दैट? इस बारे में भाई मैंने कम से कम 20-25 से ज़्यादा वीडियोस बनाई होंगी। आई इसमें
आज तक मेरे को 3 साल से मैं ऐसी इंक्वायरी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आज तक मेरे को कोई जेन्युइन कोई जॉब ऑफर वाला आज तक मिला नहीं है. आज सवेरे किससे मेरे बात हो रही थी, तो वो भी वो बता रहे थे कि उनको कोई जॉब ऑफर का दिखा रहे हैं कोई वहाँ पर न्यूफिनलैंड में, तो वो सब नकली है. तो आप इस पर बिलीव ना करें. मजे की बात यह है कि जो लोग इंडिया में बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे एक दूसरे को जॉब ऑफर दी जा रहे हैं, जो आज तक कभी कनाडा गए ही नहीं, जो आज तक उनको कनाडा की नॉलेज नहीं है कौन सी कंपनी कहाँ पर है, वहीं बैठे बैठे उनको वो $2,000-3,000 की जॉब दी जा रहे हैं, और इसी जॉब के एवज में आपसे कह रहे हैं कि इतना डिपॉजिट कर दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. तो ये सब धोखा है, सब कुछ नहीं होने वाला. नहीं, मैं तो सर ये तो सचेत तो रहता हूँ आपकी वीडियोस देख देख के, बट माय ओनली क्वेरी इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आई शैल कीप ऑन सर्चिंग दो जॉब्स में, जैसे उनकी आप, वर्क आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप छोड़ो छोड़ो इन सब बात को सुरेश, आप जॉब सर्च को छोड़ दो. जैसे मैंने आपको बताया, आपके हाथ में जो कुंजी है वो है मास्टर डिग्री, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, आपको मास्टर डिग्री इवेल्युएट हो, मास्टर्स डिग्री के आपको फुल पॉइंट्स मिले, और आपका इन द मीन टाइम जो आपके 6 महीने में जो हो रहा है, इतने मीन टाइम आपको इंग्लिश पे ध्यान दो. सारी दुनिया को, सारे और झगड़े झमेले सारे सब दिक्कतें छोड़ के आप फोकस करो इंग्लिश पे, जो आपके सोनीपत में या कोई हरियाणा में जहाँ पर भी इंग्लिश का इंस्टीट्यूट हो, जहाँ वहाँ प्रैक्टिस करो, कोचिंग करो, ऑनलाइन यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल बने होंगे इसके इंग्लिश के, उसको जाके प्रैक्टिस करो, और जितनी भी आपकी जो एनर्जी है इसे इंग्लिश पे लगाओ. एक्चुअली इंग्लिश आपकी वाइफ को भी चाहिए और आपको भी, दोनों को चाहिए इंग्लिश, तो अगर वो कर सकती हैं तो वो भी करें, और उनकी भी साथ साथ आपको बी ए बी एड आपको इवेल्युएट करानी है, जो अब आपकी एम ए होगी तो उनकी भी होगी, तभी जाके मैक्सिमम पॉइंट होंगे. ओके सर. और बताएं मेरे लिए कोई और कोई सवाल सर? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. चलो थैंक यू वेरी मच, और कभी अगर मैं दिल्ली में आऊंगा मैं अगले महीने, तब अगर आपके पास टाइम है तो जरूर आके मिले. जरूर सर, जरूर. वेलकम वेलकम सर, वेलकम. थैंक यू वेरी मच. बाय वेरी मच. बाय सर.